रावर डैम जो है दोस्तों, जिसके कारण आज फल्गु नदी में पानी दिख रहा है। दोस्तों देख सकते हैं आप कितना पानी है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों मैं हूं राजा मिश्रा, गया बिहार से। दोस्तों मैं आज आपको रबर डैम लाया हूं, तो चलिए आज मैं आपको रबर डैम का सैर कराता हूं। उससे पहले मैं आपसे छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए मैं वीडियो में ले चलूँ। दोस्तों तो यही है डैम, गया का रबर डैम। माँ सीता से तो इस फल्गु नदी के ऊपर जो सेतु बना है, इसका नाम है सीता सेतु, माँ सीता सेतु। देखिए दोस्तों, इस साइड जो है पानी नहीं है, मतलब कि इधर जो है नदी सूखा हुआ है। और ये साइड देखिए, पानी ही पानी है, मतलब पूरा पानी भरा पड़ा है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। आज ये रावर डैम जो है दोस्तों, जिसके कारण आज फल्गु नदी में पानी दिख रहा है। दोस्तों देख सकते हैं आप कितना पानी है, भरपूर पानी, जो कभी पानी इतना दिखता नहीं था, आज रावर डैम के कारण कितना पानी आज दिख रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि गंगा माता भी इस फल्गु नदी में समा गई हैं, तो इसके वजह से पानी कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। दोस्तों इस सेतु का नाम रखा गया है माँ सीता सेतु, तो इस सेतु के सहारे बहुत लोग को फ़ायदा मिला है। दोस्तों लोगों को 3 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी कर कर सीता कुंड आते थे, आज लोग जो हैं उस पार से इस पार आसानी से आ जा रहे हैं। उस पुल के सहारे लोग सीता कुंड पहुंचते थे, इस पार से उस पार कम से कम 2-3 किलोमीटर का डिफरेंट है। दोस्तों के कारण, रावर डैम के कारण आज फल्गु नदी में पानी है। दोस्तों दोस्तों सीता कुंड, चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सहयोग कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।